नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आप सभी का स्वागत करता हूँ गिज़्मोहोलिक में। अगर आप गेम खेलते हो और आप गेमिंग लैपटॉप बाय करने की सोच रहे हो तो आप इस वीडियो को डेफिनेटली देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं एसर की नीट्रो सीरीज, जो कि एक एसर का बजट गेमिंग लैपटॉप लाइनअप है, उसके बारे में बताऊंगा। ये एसर की नीट्रो 5 2020 एडिशन है। नीट्रो के कई वेरियंट आते हैं मार्केट में। इस सीरीज में हर साल कुछ ना कुछ अपग्रेड आता रहता है, तो इस साल भी कई सारे अपग्रेड हैं इस लैपटॉप में, जो कि मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा और आप डेफिनेटली जानना चाहोगे। एसर की नीट्रो सीरीज़ के ऊपर भी इनकी एक सीरीज़ आती है जो कि इनकी प्रेडेटर सीरीज़ है, तो इस लैपटॉप के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल के लिए हम लोग एसर नीट्रो पर फोकस करते हैं। तो मैं आज इस लैपटॉप की गेमिंग परफॉर्मेंस से लेकर CPU बेंचमार्क और भी बाकी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। एसर नीट्रो 5 में आपको इंटेल कोर i5 10300H मिलता है, जो कि 10 जनरेशन का प्रोसेसर है और ये कॉमेट लेक H सीरीज का है। इसकी बेस फ्रीक्वेंसी 2500 MHz है, इसकी बूस्ट फ्रीक्वेंसी 4500 MHz है। ये 4 कोर 8 थ्रेड का प्रोसेसर है। इसमें आपको 8 MB की कैशे मिलती है। इसकी पावर कंजम्पशन जो है 4540 DPI है और ये 14 नैनोमीटर बेस टेक्नोलॉजी पर बना है। इसमें जो इंटीग्रेटेड GPU मिलता है वो है इंटेल का USD ग्राफिक 630, जिसकी बेस फ्रीक्वेंसी 350 MHz है और उसकी बूस्ट फ्रीक्वेंसी 1050 MHz है। तो आइए अब इस लैपटॉप की बेंचमार्क परफॉर्मेंस देखते हैं और उसको कंपेयर करते हैं इंटेल के 9 जनरेशन और AMD के Ryzen 4000 सीरीज के प्रोसेसर से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्रीवियस जनरेशन के प्रोसेसर से इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी बेटर है, लेकिन अगर वहीं हम लोग इसको AMD Ryzen 5 4600 से कंपेयर करते तो ये यहाँ पर इसकी परफॉर्मेंस उससे कम आती है। तो जैसा कि देखा जाए, इस जनरेशन में Ryzen के प्रोसेसर ज़्यादा बेटर परफॉर्मिंग है। अब डेडिकेटेड ग्राफिक्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ, जो कि डायरेक्ट रिलेट करता है गेमिंग परफॉर्मेंस से। इसमें GPU जो दिया है वो है NVIDIA का GTX 1650 Ti। ये ट्यूरिंग आर्किटेक्चर पर बेस्ड है। इसमें आपको 1536 यूनिफाइड कोर मिलते हैं। इसकी बेस कोर स्पीड 1455 MHz और इसकी बूस्ट कोर स्पीड 1590 MHz है। इसमें आपको 4GB का DDR6 VRAM मिलता है। तो अब इस GPU की गेमिंग परफॉर्मेंस देखते हैं। तो हम लोग स्टार वॉर Jedi Fallen ऑर्डर रन करते हैं। ये गेम 2019 में लॉन्च हुआ था। ये गेम हम लोग फुल HD रिजोल्यूशन, जो कि 1920x1080 पिक्सल है, और गेम की सेटिंग हम लोग हाई पर रखते हैं। तो यहाँ पर जो FPS मिला है वो 41 FPS है। नेक्स्ट गेम हम लोग रन करते हैं मेट्रो एक्सोडस। ये गेम भी 2019 में लॉन्च हुआ था, तो यहाँ भी हम लोग जो रिजोल्यूशन रखते हैं वो फुल HD रहेगी और गेम की सेटिंग हाई पर रखते हैं। और यहाँ पे जो हम लोग को FPS मिल रहा है वो है 35 FPS। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इस लैपटॉप में आप गेम डेफिनेटली इन्जॉय कर सकते हो। तो ये गेमिंग के लिए अच्छा है। यहाँ इस लैपटॉप पे आप मीडियम टू हाई सेटिंग पे आराम से गेम खेल सकते हो, और कोई भी लैपटॉप अगर आप बाय करते हो जो इस प्रोसेसर और इस GPU के साथ आता है तो आपको डेफिनेटली गेमिंग एक्सपीरियंस अच्छा मिलेगा। तो हम लोग बात करते हैं अब डिस्प्ले की। इसमें आपको फुल HD जो कि 1920x1080 रिजोल्यूशन की स्क्रीन है। ये 8-bit की IPS पैनल है और इसकी फ्रीक्वेंसी 60 Hz है। इसकी ब्राइटनेस अप्रॉक्सीमेटली 260 nits है और इसमें जो कलर गैमेट मिलता है आपको वो 63% sRGB, 47% Adobe RGB और 47% P3 कलर गैमेट मिलता है। तो गेमिंग और वीडियो कंजम्पशन के लिए ये स्क्रीन ठीक है, लेकिन अगर वहीं हम लोग बात करते हैं फोटो और वीडियो एडिटिंग तो आपको कलर एक्यूरेट स्क्रीन नहीं मिलती। बट ओवरऑल प्राइस पे देखा जाए तो ये इस प्राइस सेगमेंट में जितने आप लैपटॉप चेक करोगे सब में सेम ग्रेड की ही स्क्रीन आपको मिलती है। आपको अगर बेटर स्क्रीन चाहिए तो आपको हायर प्राइस सेगमेंट में जाना पड़ेगा। तो चलिए बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी की। ये लैपटॉप बिल्ड क्वालिटी वाइज देखा जाए तो डिसेंट है। ये कंप्लीट प्लास्टिक बिल्ड है, यहाँ पे आपको मेटालिक कुछ नहीं मिलेगा। इनका जो कलर एक्सेंट है ये रेड और ब्लैक का, थोड़ा गेमिंग ओरिएंटेड है। इस लैपटॉप की जो वेट है वो 2.3 kg है। लगभग मार्केट में जितने भी आप गेमिंग लैपटॉप अगर आज देख रहे हो तो वो 2 kg से लेकर 2.3 kg तक की वेट कैपेसिटी में आते हैं। तो हम लोग बात करते हैं मेमोरी की। इसमें आपको 8 GB की DDR4 RAM मिलती है, जिसको कि आप अपग्रेड करके 32 GB की RAM भी इंस्टॉल कर सकते हो। नेक्स्ट आता है स्टोरेज। इसमें आपको 1 TB की 7200 RPM की हार्ड ड्राइव मिलती है और साथ में 256 GB की SSD मिलती है, जो कि PCIe Gen 3 NVMe M.2 SSD है। इसमें फुल साइज़ का कीबोर्ड मिलता है, जिसमें कि आपको नमपैड मिलता है। ये 4-zone RGB backlit कीबोर्ड है और इसमें आपकी जो ट्रेवल डिस्टेंस है 1.6 mm की है।
इसमें आपको WASD और एरो की हाईलाइटेड मिलेगी, मतलब ज़्यादा ब्राइटर रहेंगी कंपेयर टू अदर कीज़। आइए अब इसके ट्रैक पैड की बात करते हैं। इसमें जो आपको ट्रैक पैड मिलता है ये जेस्चर टच पैड दिया है, जिसमें कि आप टू फिंगर स्क्रॉल, पिंच टू जूम और बाकी जितने टच फीचर्स होते हैं सारे यूज़ कर सकते हो, तो ये एक अच्छी चीज़ है। अब इसमें स्पीकर की बात करते हैं, इस लैपटॉप में आपको 2 वॉट का स्टीरियो स्पीकर दिया है, जिसकी साउंड क्वालिटी मैं कहूँगा उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन बेसिक मूवी और गेमिंग के लिए आप डेफिनेटली उसको यूज़ कर सकते हो। इस लैपटॉप में आपको DTS:X मिलता है, जो कि सिमिलर है डॉल्बी के। इसमें भी आपको ये वर्चुअलाइजेशन करता है सॉफ्टवेयर बेसिस पे, जिसमें कि आपको कोई भी हेडफोन अगर यूज़ करते हो आपको 7.1 की सराउंड साउंड वर्चुअलाइजेशन मिलती है। तो हम लोग लैपटॉप की कनेक्टिविटी चेक कर लेते हैं। इसमें आपको इंटेल का वायरलेस वाईफाई 6 AX201 मिलता है। ये लेटेस्ट जनरेशन है वाईफाई का, जो कि 802.11 है। इसमें आपको प्रीवियस जनरेशन के वाईफाई सपोर्ट भी मिलते हैं, और साथ में इसमें आपको ब्लूटूथ 5 मिलता है। अब इस लैपटॉप के वेबकैम की बात करते हैं। इसमें आपको 720p का वेबकैम मिलता है, जो कि डिसेंट अगर लैपटॉप के वेबकैम के हिसाब से बात की जाए, लेकिन इतना कुछ खास नहीं। लैपटॉप के वेबकैम आप जब भी देखोगे बहुत अच्छी क्वालिटी के नहीं होते हैं, नॉर्मली जूम कॉल और स्काइप कॉल के लिए ही आप उसको ज़्यादा यूज़ कर सकते हो। कोई भी कंटेंट क्रिएशन या स्ट्रीमिंग के लिए अगर आप यूज़ करोगे तो आपकी क्वालिटी काफ़ी डिग्रेडेड आएगी। तो चलिए इस लैपटॉप की पोर्ट चेक कर लेते हैं। इसमें आपको 2 USB 3.2 Gen 1 पोर्ट मिलते हैं, एक USB टाइप सी मिलता है जो कि 3.2 Gen 2 है, और एक USB टाइप ए मिलता है जो कि USB 3.2 Gen 2 मिलता है, जिसकी ट्रांसफर रेट 10 Gbps होती है, जिसमें कि आपको पावर चार्जिंग का फीचर भी दिया है। और इसमें आपको ऑडियो माइक कॉम्बो जैक मिलता है। ये लैपटॉप किलर इथरनेट E2600 के साथ आता है, जिसको कि आप किलर कंट्रोल सेंटर 2.0 में जाकर आप प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं, जिससे कि आप अगर कोई ऑनलाइन गेमिंग करते हो तो आप लेटेंसी को कंट्रोल कर सकते हो, आपको हायर पिंग नहीं मिलेगी। ये एक अच्छा फीचर है, अगर आप गेम खेलते हो तो दिस इज़ अ वेरी डिसेंट फीचर, जो कि आप किसी भी ऐप को और इसमें कस्टमाइज़ भी कर सकते हो, आप किसी ऐप को जाके कस्टमाइज़ करते हो। चलिए अब बात करते हैं बैटरी की। इसमें आपको 4 सेल की लिथियम आयन बैटरी मिलती है। इसकी बैटरी कैपेसिटी 57.5 वाट आवर है, और इसमें आपको मैक्सिमम रन टाइम जो कंपनी क्लेम करी 10 घंटे का है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी ये टोटली डिपेंड ऑन कि आप किस टाइप का काम करते हो। 10 घंटे तो आपको बैटरी बैकअप मुश्किल है मिलना, लेकिन आपको डेफिनेटली इस लैपटॉप में अच्छी बैटरी मिलेगी। इसमें आपको 135 वाट का AC अडेप्टर मिलता है। तो फाइनली अब इस लैपटॉप की थर्मल को चेक करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लैपटॉप में थर्मल के काफ़ी इशू रहते हैं, लेकिन आपको मैं यहाँ बताना चाहूँगी इस लैपटॉप की थर्मल काफ़ी डिसेंट है। एसर ने इस लैपटॉप पे अपनी कूल बूस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ की है। ये डुअल फैन सिस्टम है, और इसमें आपको मल्टीपल एग्जॉस्ट दिया है, 2 एग्जॉस्ट इसके साइड में और 2 एग्जॉस्ट इसके बैक में है। तो कोई हैवी टास्क रन करते हैं आप, जैसे गेमिंग या वीडियो एडिटिंग, तो आपको इसमें थर्मल थ्रॉटल के इश्यूज नहीं होंगे। परफॉर्मेंस जैसे होता है ना कि आपको भी कभी लैपटॉप ज़्यादा हीट होने लगते हैं तो परफॉर्मेंस डिग्रेड करने लगती है या अटकने लगता है गेम या ये, तो आपको इसमें लैपटॉप में वो सब इश्यूज नहीं होंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये लैपटॉप काफ़ी डिसेंट है। कुछ छोटी मोटी खामियाँ हैं, जैसे कि स्क्रीन थोड़ी उतनी अच्छी नहीं मैं बोलूँगा, लेकिन तब भी बाकी इस कैटेगरी के लैपटॉप में आपको लगभग सेम स्पेसिफिकेशन की स्क्रीन मिलती है। तो ओवरऑल आप अगर पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप डेफिनेटली इस लैपटॉप को कंसीडर कर सकते हो। और ये सेल में अब इसकी प्राइस भी ड्रॉप हुई है, तो मैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट डील डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, वहाँ चेक कर सकते हो। यही एक लैपटॉप है जो कि अराउंड अभी सेल में 62,000 या 63,000 के आसपास मैंने जैसे देखा है, और आपको इसमें 1650 Ti मिलता है। तो ये एक अच्छी बात है कि इसमें आपको ग्राफिक्स कार्ड भी अच्छा मिल रहा है। तो ओवरऑल लैपटॉप अच्छा है, लेकिन आपको यहाँ पे गेमिंग की बात की जाए तो यहाँ पे हाई रिफ्रेश रेट की स्क्रीन नहीं मिल रही है, लेकिन ओवरऑल लैपटॉप काफ़ी अच्छा है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा, और अगर आप गिज्मोहॉलिक पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन प्रेस करिए, ताकि मैं आगे भी आप लोग के लिए ऐसे ही कंटेंट लाते रहूँ, टेक रिलेटेड, गेमिंग रिलेटेड, लैपटॉप रिलेटेड। तो चलिए जल्दी मिलते हैं अगले टेक वीडियो में। धन्यवाद।